बलोच कबाइल के सरदार थे मीर चकर खान रेंद, उसका मकबरा है। तो भी अंदर चल के देखते हैं भाई। ये है जी सरदार चकर आजम, ये पुराने जमाने में कोई ऐसे जंग करने जाते थे। और फुली एकदम फ्रेश हो चुके हैं। तो यार आप लोग सोच रहे हो कि ये सारा कमरा शमरा सब कुछ चेंज हुआ है। तो यार सीन इस तरह है, रात को भाई हम निकले थे इस्लामाबाद से, आज आ चुके हैं हम फैसलाबाद में, रात को पहुंचे थे। भाई मैं आपको क्या बताऊं, रात को इतना फॉग मैं आपको क्या बताऊं, मुश्किल से फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। तो ये रहा हमारा जी रूम, हमने दो रूम लिया है, अब लोग उधर हैं, मैं इस रूम में था अकेले। तो ये रहा जी हमारा रूम, आप लोग देख सकते हैं, तो एकदम वीआईपी किस्म का रूम है। तो रात को भाई इतना फॉग था तो हम इधर आके फैसलाबाद में रुके हैं। तो आप लोग जाके फ्लैशबैक देखे हैं, रात को मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है, भाई इतना धुंध था। अभी आप लोग जाके वो देखें, नाश्ता वाश्ता भी हमने कर लिया है, तो अभी फटाफट से सीधा निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। इधर कोई जगह है पुराने तारीखी जगह है, तो अभी सीधा फटाफट से चलते हैं, तो आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। तो आप लोग जाके रात वाला वीडियो देखें भाई, इतना फॉग जब हम इस्लामाबाद से इधर फैसलाबाद की तरफ आ रहे थे। तो आप लोग जाके अभी वो देखें, तब तक हम नीचे जा रहे हैं। फ्लैश बैक, ये देखे भाई आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है आहिस्ता से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं आगे नजर आ रहा, कुछ भी नहीं। एक कोच को फॉलो करते हुए हम उसके पीछे जा रहे हैं। A few moments later. चलो भाई साहब, तो यार अभी जा रहे हैं नीचे। ये इधर भाई पुराने जमाने का इधर होटल शोटल बना हुआ है तरीके से, तो अभी नीचे जा रहे हैं। इधर भाई बाहर का व्यू है फैसलाबाद का, अभी तो इतना फॉग नहीं है, रात को भाई इतना फॉग था, तो अभी सीधा फटाफट से चलते हैं। तो यार ये रहा भाई बाहर का माहौल, हमने अपना गाड़ी भी निकाल लिया है और अभी चलते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या बनता है। तो ये रहा फैसलाबाद का माहौल, आप लोग देख सकते हैं अभी भी थोड़ा बहुत फॉग है, देखते हैं आगे क्या होता है, अभी सीधा फटाफट से चलते हैं। चलो जी, आए हाय 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 हाय, ये रहा जी फैसलाबाद का शहर, देख लें आप लोग। One hour later. तो यार पहुंच चुके हैं भाई बलोच सरदार चकर आजम मकबरे पे, तो अभी आगे जाते हैं। तो यार ये रहा जी, तो अभी इधर आ चुके हैं, अभी आपको मकबरा जाके दिखाते हैं अंदर। ये रहा जी, इधर सब कुछ डिटेल वगैरह लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये रहा जी हमारे बलोचों के बड़े सरदार थे, तो अंदर जाके अपनों को दिखाएंगे। ये जी देख सकते हैं इधर ये पुराने स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और अभी इधर देख रहे हैं इधर पुराना किला है उसका सरदार का, तो जी ये रहा उनका मकबरा, तो अभी अंदर चलते हैं। तो अभी अंदर चल के देखते हैं भाई, आ जाओ लेट्स गो। इधर शूज वगैरह उतार रहे हैं, चलो अच्छे। सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए जी, ये पुराने जमाने में कोई ऐसे जंग करने जाते थे, ठीक है। और ये है जी सरदार चकर आजम। Oh, 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 oh.
बाहर चलते हैं। ऊपर से ये है, देख लें आप लोग। तो अभी चलते हैं। चलो जी, चलो जी। हाँ जी, तो यार ये इधर किले का व्यू है, ठीक है। और अभी ऊपर चल के आप लोगों को ये दिखाते हैं स्ट्रक्चर। ये है जी स्ट्रक्चर हमारे बलोच कबाइल के। सबसे बड़े थे ये सरदार थे पुराने, इन्होंने जंग वगैरह किया है, खुद मर गए, हमें इतना आइडिया नहीं है। बलोच सरदार मीर चकर खान रेंद उसका मकबरा है ये, ठीक है। और ये लोकेशन उखाड़ा सतगरा, ठीक है। और अभी हम चलते हैं, आप लोगों को सब कुछ दिखाया है ये, तो आ जाओ। तो यार अभी जा रहे हैं भाई, आप लोगों को दिखाया है सब कुछ, हमारे ये पुराने सरदार थे, ठीक है, बलोचों के। तो अभी चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अभी जा रहे हैं भाई, आप लोगों को दिखाया है सही से। तो अभी जा रहे हैं, इधर ये स्टॉल्स हो रहे हैं, इधर बेच रहे हैं सामान वामान, ठीक है। सब कुछ दिखाया आप लोगों को। तो अभी निकल रहे हैं भाई साहब, गाड़ी लेके आ रहे हैं अभी लोग पीछे, वो आप लोगों को जाके ये दिखाएंगे। इधर मतलब बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, आप लोग देख लें। तो ये रहा जी, तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक हो गया। ये इधर लिखा है, ठीक है जी, ये देख लें आप लोग, इधर भी लिखा है और ये इधर भी बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। चलो जी, आ चुका है हमारा कार। चलो जी, तो यार अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं भाई। तो यार उन्होंने एक लिस्ट पकड़ा दी है, ये आप लोग देखें, ये इधर सभी लोकेशंस वगैरह और इधर पुराने पुराने पिक्चर्स लगे हुए हैं, ठीक हो गया जी। तो अभी इस तरफ देखते हैं। ओके, इधर लोकेशन दिया हुआ है, ये लोकेशन आप लोग देखें सही से, आप लोग देखें लोकेशन, ये रहा लोकेशन। तो अभी निकल चुके हैं भाई, फाइनली फाइनली जा रहे हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सीधा जा रहे हैं, सफ़र जारी है हमारा। तो इधर से देखते हैं कि कितने किलोमीटर दूर है हमारा घर। तो यार ये राजी, इधर से 565 किलोमीटर और 8 घंटे का बता रहे, ठीक हो गया। तो अभी सीधा जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार अभी इधर रुके हैं भाई, पेट्रोल शेट्रोल फुल कर रहे हैं। तो अभी इधर से पेट्रोल फुल होगा, गाड़ी हमारा तब तक फुल हो रहा है, हम जाके कुछ जूस वगैरह लेते हैं भाई। और जी, तो तब तक हम इधर से भाई जूस पकड़ते हैं एक। चलो जी भाई, रिफ्रेशमेंट के लिए ये लिया है, तो अभी चलते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई। ओ खड़ा है हमारा गाड़ी। One hour later. तो यार मुल्तान टूल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं फाइनली फाइनली भाई। टूर प्लाजा पहुंच गए हैं भाई।
तो यार M5 मोटरवे पे अभी चढ़ चुके हैं, तो अभी फाइनली सीधा घर, लेट्स गो। Later. तो यार फाइनली भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फाइनली अपने घर में पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। VIP सफर हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सही से। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया है क्योंकि भाई फुल थके हुए थे, तो इसी वजह से मैंने कहा कि अब सीधा आप लोगों से घर में मिलते हैं। तो यार बहुत ज्यादा हमने भाई इंजॉय किया, बहुत ज्यादा इंजॉय किया इस्लामाबाद में, उधर गए और फैसलाबाद में, और भाई हमारे जो पुराने सरदार बलोच सरदार चाकरली, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे जो पुराने सरदार थे उसका ज़ियारत हुआ। सरदार चाकर खान का आई थिंक पैदाइश का डेट सन 1468 में वो पैदा हुआ था, और उनका डेथ आई थिंक सन 1565 में हुआ था मेरे ख्याल से, ऐसे ही लिखा था कुछ। तो गाइस यही है सारा कुछ डिटेल, तो अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। पुराने जमाने में हमारे बलोचों के बड़े सरदार थे, तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो मिलते हैं कल, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने भाई बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस्लामाबाद में और फिर गए फैसलाबाद में, उधर एंजॉय किया, तो बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया भाई इस ट्रिप में। तो मिलते हैं सीधा कल, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इधर मेरा जूस भाई सुबह से पड़ा हुआ है क्योंकि ये गर्म हो रहा है, इसका थोड़ा चुस्की लें, मज़ा आया। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, अपने ए भाई को इजाज़त दो और दुआओं में याद रखो। मिलते हैं कल सीधा एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि भाई बेल आइकन दबाओ, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम से, मैं व्लॉग फेंकूं आप लोगों को सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं कल भाई, और ट्रिप्स आएंगे और एंजॉय करेंगे, तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज, शान।